पीएम मोदी ने गोधरा कांड को लेकर आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। दरभंगा की रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता संभालने के दौरान 60 से अधिक कार सेवकों की भीषण हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की गई थी। उस समय यूपी अध्यक्ष सोनिया मैडम का राज था। पीएम मोदी ने कहा कि उस वक्त रेल मंत्री लालू यादव ने गोधरा कांड के दोषियों को बचाने के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे नकार दिया और दोषियों को सजा हुई। जब गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री ये शाहजादे के बेटे थे जो सजा काट रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेन राजी कमेटी। सोनिया मैन का राज था ना, और इसलिए उन्होंने बेन राजी कमेटी बनाई थी। वो जज का नाम बेन आरजी था तो लोग बेन राजी बोलते थे, और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके इस रिपोर्ट को कूड़े कचरे में फेंक दिया और उन सबको सजा सुनाई, फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था।